हेलो एवरीबॉडी नाइस टू सी यू विद वन मोर वीडियो नाउ माय टुडेज टॉपिक इज बेसिकली ऑन ट्राइसेप एक्सरसाइजेज आई गॉट दिस क्वेश्चन ऑन इंस्टाग्राम इन फैक्ट दे टू पीपल हु हैड मी क्वेश्चंस ऑन ट्राइसेप्स नाउ फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट आर द बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर ट्राइसेप एंड मैन आई आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आई टोल्ड देम मैंने उनको बोला कि ट्राइसेप के कौन से अच्छे एक्सरसाइजेज होते हैं और उसमें मैंने उसमें मैंने एक एक्सरसाइज इंक्लूड की थी स्कल क्रशर सो आई हैड इंक्लूडेड कंपाउंड एक्सरसाइजेस जैसे मैंने बोला था क्लोज ग्रिप ट्राइसेप प्रेस जो आता है वो है उसके बाद केबल पुश डाउन है उसके बाद पैरल बार डिप है ओके क्लोज ग्रिप पुशअप्स आते हैं वो वो आप कर सकते हो एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो गो फॉर वन मोर एक्सरसाइज विच इज़ अ स्कल क्रशर ओके नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग अगेन ऑन दिस पर्टिकुलर आंसर दे वॉज अ क्वेश्चन रेज बाय सम अदर स्टूडेंट ऑल्सो एंड द क्वेश्चन वॉज वेरी वैलिड और वो क्वेश्चन वो स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर वाई शुड वी गो फॉर द स्कल क्रशर्स बिकॉज इट वॉज टोल्ड टू अस इट वॉज टोल्ड टू अस दैट यू शुड नॉट गो फॉर आइसोलेशन मोमेंट्स इन ट्राईसेप्स ओके बिकॉज इट कॉज इज ट्राईसेप टेंडेइट इज या सो अगेन दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन ओके और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के Uh, uh, दिमाग में आते होंगे कि ये ट्राइसेप के एक्सरसाइजेज हमको जो कहा जाता है कि इट विल आइसोलेशन मूवमेंट्स विल कॉज ट्राइसेप टेंडेनाइटिस दैन शुड यू डू ऑल दोज मूवमेंट्स और यू शुड नॉट नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग बिफोर आई स्टार्ट ओके अंडरस्टैंड वन थिंग ट्राइसेप टेंडेनाइटिस इज़ अ ओवर यूज इंजरी ओके इट अकर्स वेन यू ओवर यूज़ दैट पर्टिकुलर पार्ट ओके तो मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू

In most of the people, okay, uh, fast twitch fibers are more in triceps. I have even read this that it is around 67%. The fast twitch fibers within triceps are around 67%. This is something that I have read. Okay, so it is important to train triceps. Okay, now what you need to understand, you need to understand the basic anatomy of the tricep also. Now, I will not go into too much of details or, and I will not make the video very complicated to understand. ओके आई वॉन्ट टू मेक इट आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी वेरी सिम्पल फॉर यू पीपल सो आई वॉन्ट यू पीपल टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट आर द बेजिक फंक्शन ऑफ द ट्राईसेप्ट ओके एंड वेर दे परफॉर्म दिस फंक्शन कहाँ पर उनका फंक्शन होता है दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्ट यू पीपल टू नो ओके नाउ उसके अंदर इफ यू सी यू हैव द मीडियल हैड एंड द लेटरल हैड मीडियल हैड एंड द लेटरल हैड ऑफ द ट्राईसेप दे ओनली डू एल्बो एक्सटेंशन Okay, they are crossing only one joint, uni articulate. Eh? They cross only one joint, which is the elbow. So, what they will do is elbow extension. Okay. Now, when we talk about the long head, the long head of the tricep, which is there, it is a biarticulate muscle. Bi-articulate muscle means it crosses the shoulder joint as well as it crosses the elbow joint. Correct? So, again, the prime function of long head of tricep is at the elbow, elbow extension extension of the elbow correct and at the shoulder what it will do at the shoulder it will assist in shoulder extension and shoulder adduction okay shoulder extension this is this is shoulder extension shoulder extension correct shoulder adduction this is shoulder adduction so it will assist in these two functions दिस वॉज द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राईसेप इट्स अ बायर्टिक्युलेट मसल नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग वी नीड टू चूज एक्सरसाइजेस दैट दैट विल टारगेट ऑल थ्री हेड्स ऑफ द ट्राईसेप ओके तीनोंड को बराबर वर्कलोड मिलना चाहिए सो वी शुड ऑलवेज एक्सरसाइज वी शुड ऑलवेज चूज सच एक्सरसाइजेस ओके सो एज आई टोल्ड यू मेजर एक्सरसाइजेस विच आर देव फॉर द ट्राईसेप विच आर कंपाउंड मूवमेंट्स They definitely will work for growth of the tricep. Okay, for example, if you go for close grip, uh, the close grip barbell press that we do for the triceps, if we go for cable push downs, okay, parallel bar dip, uh, even uh, the close grip push ups, okay, even they will work, okay, and definitely they will develop good triceps. But again, for if you go for अ आइसोलेशन मूमेंट एंड अगेन लिसन टू मी टू वॉट आई एम सिंग इफ यू गो फॉर आइसोलेशन मूवमेंट एंड आइसोलेशन मूवमेंट अगेन यू आर नॉट सपोज टू ओवर डू इट ओके यू आर नॉट सपोज टू पुट अनड्यू स्ट्रेस ऑन द ट्राइसेपटेंडेंट तो आपको उसको लिमिटेड करना है नॉट यू ट्राइसेपटेंडेंट इट इज आई टोल्ड यू इट इज़ अ इन्फ्लमेशन इट इज़ अ ओवर यूज इंजरी लोग बार 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 और हमेशा ट्राइसेप के आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करते हैं उसके वजह से उनको ट्राइसेप टेंडेनाइटिस होता है और एल्बो में पेन होता है तो आपको उसको लिमिटेड रखना है पहली बात ओके okay? और आपको उसको बहुत ज्यादा हैवी लोड से ट्रेन नहीं करना है यू डोंट हैव टू ट्रेन इट विद वेरी हैवी लोड्स ओके द लोड शुड बी अराउंड मॉडरेट मॉडरेट लोड से करो रेपिटेशन ज़्यादा दो चलेगा ओके बट कंपाउंड एक्सरसाइजेज आर दे यू कैन डेफिनेटली गो फॉर हैवी लोड्स हैवी लोड्स मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्स रेप मैक्सीज एट रेप मैक्सीज जो हम लोग बोलते हैं वो आप कर सकते हो कंपाउंड एक्सरसाइजेज में ओके नॉट फॉर आइसोलेशन मूवमेंट्स आइसोलेशन मूवमेंट को एक एक्सरसाइज रखो और लोड भी मॉडरेट रखो रेपिटेशन थोड़े ज़्यादा रखो सेट्स भी आप दो या तीन सेट लो दो सेट लो इनफ ओके okay? बहुत ज़्यादा उसको ओवर ट्रेन मत करो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत डालो उसके ऊपर बट इज इट इम्पॉर्टेंट टू टेक इट येस अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ इम्पोर्टेंट ओके वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट

आई यू गेटिंग वट एम ट्राइंग टू से तो आप किक बैक जब लगाते हो तो आपका शोल्डर कैसे होता है आपका शोल्डर एक्सटेंशन या तो हाइपर एक्सटेंशन में होता है और बाद में आप किक बैक करते हो यह आपको सबको पता है सो वैन यू आर पुटिंग द शोल्डर ऑलरेडी इन टू एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप इज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड एट द शोल्डर ज्वाइंट ओके एंड इट इज अ बाय आर्टिकुलेट मसल क्रॉसिंग टू जॉइंट्स शोल्डर एंड एल्बो एंड वॉट इज बाय आर्टिकुलेट मसल थियरी

Are you getting what I'm trying to say? So, it is important that if you want to train your long head of the tricep, rather than putting your shoulder into extension and hyperextension, okay, you should try to relax the long head at the shoulder joint. How will you relax the long head at the shoulder joint? By putting the shoulder into flexion. Putting the shoulder into flexion. टिंग द शोल्डर इंटू फ्लेक्शन दिस इज फ्लेक्शन अभी शोल्डर कम्स इन टू फ्लेक्शन ये फ्लेक्शन हो गया बट कितना फ्लेक्शन अगेन हाउ मच फ्लेक्शन बिकॉज इन द कंपाउंड मूवमेंट्स इन द कंपाउंड एक्सरसाइज ऑफ द ट्राइसेप द शोल्डर गोज इंटू फ्लेक्शन नो करेक्ट है केबल पुश डाउन केबल पुश डाउन वेन यू डू अ केबल पुश डाउन वॉट इज द ज्वाइंट एक्शन शोल्डर फ्लेक्शन एल्बो एक्सटेंशन करेक्ट है सो इट द शोल्डर इज गोइंग इन टू फ्लेक्शन बराबर है तो कितना फ्लैक्शन सो अगेन एज पर अ आर्टिकल दैट आई हैव रेड एंड इन द आर्टिकल दे हैव मैंशनड देट देर वॉज अ रिसर्च कंडक्टेड इन टू थाउजेंड एंड टेन ऑन द ट्राईसेप ट्रेनिंग और उसमें उन्होंने बोला द द एंगल द बेस्ट एंगल ओके टू ट्रेन द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राईसेप इज बेजिकली पुटिंग द शोल्डर इन टू नाइंटी डिग्री फ्लैक्शन

एक्टिवेटिंग एट द एल्बो ज्वाइंट वो एल्बो ज्वाइंट के ऊपर अच्छे तरीके से काम करेगा करेक्ट है आई यू गेटिंग माई पॉइंट ओके सो रिमेंट ओके यू डू अन यू डू अ स्कल क्रशर ओके ये स्कल क्रशर करते समय यू हैव टू सी टू इट नाउ इफ यू द एल्बो शुड बी फुल एक्सटेंशन फुल एक्सटेंशन

आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइपर एक्सटेंशन आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट एल्बो एक्सटेंशन ओके बाई डूइंग अ कम्प्लीट एल्बो एक्सटेंशन यू विल नॉट कॉज अ इंजरी एट दी एल्बो ओके इनफैक्ट पूरा एल्बो एक्सटेंशन करोगे ओके okay? तो आपका जो आपका जो पूरा लीवर लेंथ है वो बड़ा होता है इट इंक्रीजेज नो

I am just normally asking you to cause complete range of motion at the elbow, which is elbow extension. Are you getting my point, everyone? I think I have covered everything that I wanted. Are you getting my point, my friends, my followers, my students? So, this was my video. Okay, if you have. Any doubts or you have any comments, please put your comments, please share my video, and definitely it will help you, it will help others also. If you have any comments, if you have any questions, please ask. Right? So, thank you so much, stay safe, okay, and maintain social distancing. Thank you so much, bye.